आपकी जिंदगी आसान की, आई ने गूगल मैप पे आपने कहा ओके इस्लामाबाद के अंदर जो है वो तरलाई इतना ढूंढ रहा है और ये वाली राउट की बस जाएगी और इस तरीके से मैं पहुंच जाऊंगा। इट इज बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन द टेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर अगर कोई फार्मर जरा सोचे नवाबशाह के अंदर अगर बैठा है, नान महीना इलाका है, वहां वो चाहता है कि यार मेरी क्रॉप के ऊपर एक अजीब सा कीड़ा लग रहा है, नाउ आई हैव टू गो टू हैदराबाद कंसल्ट करूं, जब तक तो फसल गई, ऐसे ही फसल चली आई, तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो अपनी क्रॉप को बचा सकता है अगर उस तरीके से उसको गाइडेंस मौजूद हो, सिस्टम मौजूद हो कि जी ऐसा कीड़ा अगर लगे तो मैं क्या करूँ उसके बारे में पढ़ सकें। पहले ये चीज पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश की गई थी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, एक फिनोमिनन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वन लैपटॉप पर चाइल्ड, यूएलपीसी में आगे भी बताऊंगा, उन्होंने कोशिश की थी एजुकेशन में बच्चों के अंदर एक्सेसिबिलिटी लाए, नहीं हो सका, लेकिन फिर क्या हुआ स्मार्टफोन एरा आ गया, फीचर्ड फोन एरा आ गया, अब ड्राइवर के पास भी व्हाट्सएप आ गया, हर एक के पास टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं आया। व्हाट्सएप पे वो लव लेटर तो भेज देता है लेकिन वो एक्चुअल काम जो होना चाहिए वो नहीं करता। किसान को क्रॉप के बारे में पढ़ने का नहीं पता लेकिन उसको ये जरूर पता है डेली मोशन से गाना कैसे उतरेगा, ये एक बहुत बड़ा डायलमा जो हमारी सोसाइटी में क्रिएट हुआ आज के दौर। इसको इस माइंडसेट को बनाने के लिए हम लोगों ने कि जी ये जो करेक्शन ऑफ माइंडसेट है उसके लिए मैं बोलूंगा कि इनके साथ ई पाकिस्तान वालों के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया जो करेक्ट करे माइंडसेट को। अब जब ये चीजें हो गए डायलमा की सोसाइटी के अंदर आ गए, हालांकि स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई दफा आता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं पूछता हूँ यार इसका क्या रीजन है, कहते सर हमें नहीं पता, मैंने कहा स्मार्टफोन, बोलते जी मैंने उसमें गूगल है, बोलते जी मैंने पढ़ लू अभी बता देते हैं आंसर, लेकिन उनके अंदर वो हैबिट ही नहीं आई। जो डायलमा हुआ कि इतना 3G 4G तो आ गया लेकिन माइंडसेट नहीं बना, इस माइंडसेट को सोचा अमार जाफरी साहब यहाँ पे बैठे रहे हैं, इन्होंने इस चीज को इस कॉन्सेप्ट को सोचा कि जो शैतान की आंख की तरह ग्रोथ हुई है उसको मैनेज होना चाहिए तभी ये काम तरक्की कर सकते। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पाकिस्तान, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेंटर जिसमें डाइवर्सिफाइड ना था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ताकि सेक्टर वेदर वो एग्रीकल्चर हो वेदर वो टूरिज्म हो, जिस तरीके से इस्लामाबाद में अगर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर खवातीन की मतलब ताकत हो, खवातीन को एक धारा में लाना हो, तमाम चीजों के लिए, तो उसको उस अम्ब्रेला को मैनेज करने का नाम ई पाकिस्तान या ई सेंट जो मैं टी आई आई डी है, मतलब ये हमारे जहाँ भी साल में 5-6 साल पहले सोचा और अब अलहमदुल्ला उसके आगे है 2025 के लिए ऑलमोस्ट रेडी और ई सेंट यानी सेंट के अंदर भी अब ऑलमोस्ट आज लॉन्चिंग के ऊपर है और इंशाल्लाह जो पार्टनर कंपनीज यहाँ मौजूद हैं इन सब के साथ मिलके हम ये देखते हैं कि 2025 में वाकई पेपर लेस पाकिस्तान जिसको FIR करवानी है उसको उसको कहीं थाने के चक्कर या राइडर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ई गवर्नेंस का सिस्टम होगा, ई एजुकेशन का सिस्टम होगा और बाकायदा IT का इसकी टेक्नोलॉजी का फायदा होना चाहिए वो होगा, ये नहीं कि सिर्फ गाने और मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ई पाकिस्तान और इसके बाद मैं अमार जाफरी साहब को दावत देना चाहूंगा कि वो आपके सामने आके इसके ऊपर कुछ बात ई पाकिस्तान रीसेंट स्पेशली इसके ऊपर कुछ कहना चाहे तो आई वेलकम अमार जाफरी साहब। तो बहुत तो ऑन कर दो और यहाँ के ये बदल मैं फिर से करो शहर में आके आज निरुशीय जो मौजूद हैं उनसे वो लेकर चलना चाहते हैं। आप लोग जितने हैं बैठे हैं मेरे पति बेटे से सुन रहे हैं डेली मेरे जॉब में मैं से भी बात करूँगा वाई 2025 सोचने की बात क्या बात आपके ख्याल में 2025 में क्या होगा जो मैं समझता हूँ और प्लीज क्वेश्चन करना होगा आपकी ड्राइवर लेस कार जो ऑलरेडी गूगल कार शुरू हो चुकी है बिल्कुल आप गाड़ी में बैठेंगे और एक एड्रेस फीड करेंगे वो पहुंच जाएगी आपकी पूरी दुनिया की एज लेना बदल गया वो ऑनलाइन हो इंटरनेट थिंग की वजह से तमाम चीजें टेक्नोलॉजी हो चुकी हूँ और पता नहीं क्या क्या होगा स्लाइड चाहिए दिखाऊंगा मेरे कभी ये लिखी है सवाल ये कि क्या उस वक्त भी हमारे कौन सोच रहे होंगे कि हमारी इंडस्ट्री हमारी जिन्हें क्या किया हमने कहा जाते हैं हमारी पब्लिक क्या पॉलिसी है क्या करना चाहिए कम करना पड़ेगा को अगर आज हम लोग खुद खड़े न हुए
कभी वेट नहीं करते। आप देख लें 30 साल पहले आप क्या थे, 20 साल पहले क्या थे, अभी क्या है आप।